जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक ऐसे विषय की जानकारी देंगे जो किसी परिवार के पतन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सवाल है कि आखिर यह विषय क्या है, किस तरह से पतन का कोई फैक्टर सबसे बड़ा कारण बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि यह कोई एक अपरिचित विषय नहीं है, यह कोई एक अनजान टॉपिक नहीं है। इसका नाम है क्रोध। मनुष्य को क्रोध है ना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस तरह से हम श्वास लेते छोड़ते हैं, धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है, हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन श्वास लेना छोड़ना, रक्त का प्रवाहित होना धमनियों में, यह हमारे जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में यदि कोई विकार है और वो विकार केवल और केवल सकारात्मकता के लिए क्रोध के रूप में बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना स्वयं को हानि पहुंचाए अगर वह विकार निकलता है, तो हम यह कहेंगे कि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसे सही तब मानते हैं जब यह मनुष्य को सही समय पर, सही बात पर, सही वातावरण में और बहुत ही लाइटली, बहुत हल्का फुल्का सा क्रोध आता है और मान कर चलिए यह उस मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। परंतु आप ये हमेशा ध्यान रखिए, क्रोध एक आवेश है, एक प्रकार का करंट है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। यदि क्रोध बाहर नहीं निकलता है तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष या बच्चा, वह स्वयं अपने आप में ही खत्म सा हो जाता है। क्रोध ऋषि मुनियों को भी आता था, हम तो फिर एक इंसान है। क्रोध से शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं, परंतु यदि यही क्रोध इंसान की प्रकृति का एक भाग बन जाए, अरे भाई उसकी तो नेचर ही क्रोधी है, यह एक कहावत सी बन जाए, हमारी नेचर का एक पार्ट बन जाए, हमारा स्वभाव बन जाए, तो समझो कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने, उस स्त्री पुरुष ने पाल लिया है। यह सबसे पहले कहां अटैक करता है वह जानिए, यह सबसे पहले स्वयं पर आक्रमण करता है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, कैसे करता है आक्रमण, उसकी बुद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, विवेक हर लेता है, हृदय और मस्तिष्क में एक प्रकार की फायर, एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित कर देता है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को बढ़ा देता है, स्वयं को जलाता है। सोचने समझने की जो शक्ति है उसको नष्ट कर देता है। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है, जो जिसे हम ये कह सकते हैं कि क्रोध मनुष्य को एक प्रकार का दौरा सा पड़ता है जिसमें केवल हानि ही होती है। क्रोध आना मनुष्य को एक स्वाभाविक तो है, लेकिन जब वह प्रकृति या स्वभाव बन जाए
तो वह उस मनुष्य को केवल हानि ही देता है, अपनों से दूर कराता है, घर और समाज में मान प्रतिष्ठा को कम कर देता है, गलत निर्णय दिलाता है। कभी भी आप ये ना सोचे कि आपने क्रोध किया और सही निर्णय ले लेंगे, गलत निर्णय दिलाता है। भरा पूरा हरा भरा परिवार तोड़ देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुख शांति परिवार से रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाती है, क्रोध से नुकसान ही नुकसान है। कोई कहे कि क्रोध से फायदा है, नहीं, यह तो फायदा मैंने कब बताया कि जब कोई सही समय पर सही बात पर और स्वाभाविक प्रक्रिया में क्रोध आता है, उसे हम कहते हैं कि वह आना लाजिमी है। लेकिन अगर क्रोध बात बात पर और अनचाही चीजों पर भी आने लग जाए, अनचाहे विषयों पर भी आने लग जाता है, तो वह नुकसान ही नुकसान करता है। ध्यान रखिए, इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। आपको जैसे लगा या क्रोध आया तो भाई उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप उसे अपना फ्रेंड यानी कि मित्र दोस्त कभी ना बनाएं। हमेशा मान कर चले कि अगर मुझे क्रोध आया है तो वह एक शत्रु है, और शत्रु समझकर उससे दूर रहने की ही कोशिश करे। क्रोध आने पर क्या करे कि जिससे कि क्रोध शांत हो। कहते हैं कि जल पीना चाहिए। चलो यह एक उपाय है, और भी कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा कि क्रोध आने पर गहरे सांस ले। गहरे सांस लेकर बाहर जो सांस हम छोड़ते हैं वह इतना गहरा छोड़े कि हमारा पेट पिचकने लग जाए। ओम का बहुत जोरदार उच्चारण ले, गहरा सांस ले, और उसके बाद में अच्छा उच्चारण खूब लंबा खींचते हुए ओम का उच्चारण करें। सोचे, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को पहचाने। क्रोध जब अपने ऊपर इतना हावी हो जाए कि हम दिन में कई कई मरतबा क्रोध करने लग जाए, तो अच्छा रहेगा कि किसी अच्छे ज्योतिष से, किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलकर आप पूछे कि आखिर वह क्या कारण है। मैं चाहता हूं कि मुझे क्रोध ना आए, मेरा परिवार ना टूटे, मेरी नौकरी मेरे व्यवसाय पर कोई आंच मेरे क्रोध की वजह से ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि कोई वास्तु दोष, जैसे अगर मान लो आप आग्नेय कोण में सोते हैं, हो सकता है कि वह अग्नि तत्व का प्रभाव आप पर पड़ रहा हो, या आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष हो कि जिससे कि आपको बार बार क्रोध आता है। मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, मेरे पास आपका घर का वास्तु नहीं है, इसलिए मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं। अगर आप दक्षिण की तरफ सिर और पांव उत्तर की तरफ करके सोते हैं, बढ़िया है, अन्यथा दक्षिण में सिर और उत्तर की तरफ पांव करके ही सोए। यदि आप पढ़ने लिखने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, प्रोफेशनल है, तो आपको ईस्ट में सिर और वेस्ट में पांव करके सोना चाहिए। मान्यता है ऐसी कि इससे हमें गहरी नींद भी आती है, हमारे शरीर को आराम भी मिलता है, मस्तिष्क को भी आराम मिलता है, और हमें क्रोध भी कम आएगा। इसके अलावा आप पूछिए किसी से कि क्रोध का कारण कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रमा किसी गलत ग्रह के साथ बैठा हुआ है, इसलिए मुझे बार बार क्रोध आ रहा है। यदि ऐसा है, चंद्रमा क्षीण है, गले में चंद्रमा के साथ एक अच्छा सा मोती धारण करें। आप मंगल की वजह से भी हो सकता है कि क्रोध आए, आप मूंगा धारण करें। हो सकता है कि गुरु
यदि बुरे स्थान पर बैठा हुआ हो, यदि उसकी दशा महादशा ठीक नहीं चल रही हो, आपको क्रोध आ सकता है, आप पुखराज सोने की अंगूठी में तर्जनी अंगुली में धारण करें। सब कुछ आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे, क्यों कि क्रोध आना, शांति मिलना, घर में सुख समृद्धि आना, ये आपके और मेरे बस का रोग नहीं है, मेरे और आपके बस का उपाय नहीं है। इसलिए एक बहुत ही अच्छा तरीका, आप इन चीजों को कोई भी ना नग ना पहने, अंगूठी ना पहने, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि आप ये सोच ले जो होना है होगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा। फिर मैं बेवजह क्यों परेशान हूं, जब पेड़ का एक पत्ता भी ऊपर वाले के इशारे के बिना हिल नहीं सकता है, तो मैं क्या हस्ती हूं कि मैं अपने आप में कोई क्रोध करूंगा या अपने आप को शांत करूंगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो इस प्रकार ठाकुर जी पर, अपने परमात्मा पर, अपने खुदा पर, अपने गोड पर विश्वास रखता है कि हे मालिक तू जैसा रखेगा मैं वैसा रहूंगा, लेकिन मुझे इस अजनबी बीमारी अर्थात क्रोध से बचा ले, पक्की बात है आपको ना किसी झाड़ फूंक वाले के पास जाना होगा, ना किसी ज्योतिषविद और वास्तुविद के पास में जाना होगा, सबका मालिक एक वही आपके इस रोग का भी इलाज करेगा। परंतु हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपने इस पर नियंत्रण नहीं किया, तो जिस घर में क्रोध अपनी जगह है या निवास बना लेता है, मानकर चलना वह घर घर नहीं एक अखाड़ा बन जाता है, जहां इंसान को न खाने का, न पीने का और न ही रहने का आनंद आता है। और यदि हम एकांत में अपने आप से पूछे कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो हम पाएंगे कि उसमें जवाब हमें यह मिलेगा कि मैं स्वयं ही इसका जिम्मेदार हूं। इसलिए मैं आपको पुनः यही एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना है वह लाख कोशिश करने पर भी नहीं होगा। खुदा की रजा बंदी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, भला मैं तो क्या चीज हूं। इसलिए क्रोध नाम की जो बीमारी है, जो रोग है, इसे अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपना दोस्त ना बनाए और अपने परिवार को टूटने से, बिखरने से बचा ले, ताकि आप अपने परिवार के साथ सुख और शांति के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।